हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसे आप तब यूज करते हैं जब आपको अपने द्वारा किए गए सेंटेंस को अधिक भाव देना होता है, अधिक स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। जैसे कि मैं कहूँ, लड़के तो लड़की लड़कियां भी जींस पहनती है, या फिर पुरुष तो पुरुष या पुरुषों का तो कहना ही क्या, महिलाएं भी सिगरेट पीती हैं, या फिर गरीब तो गरीब धनी लोग भी पैसे बचाते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे भाव हैं जिनको हम कहते समय काफी क्या कर सकते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। जब हम इनका प्रयोग कैसे, क्या कहना, कौन कहे, या तो फिर से सुन लीजिए, क्या कहना, कौन कहे, या तो और तो यानी कि लगा हुआ होता है। अब इसको बनाने का जब मेथड होता है तो क्या होगा, क्रिया और नाउन के साथ ये कैसे लगाई जाएगी, तो मैं बता रहा हूं। तो क्रिया और नाउन के साथ, जैसे मान लीजिए क्रिया है, इसके कई मेथड होते हैं। तो संज्ञा और क्रिया अगर कोई भी हो, संज्ञा और क्रिया अगर कोई भी हो तो लगा होगा, तो संज्ञा या क्रिया यहां भी आएगी, संज्ञा या क्रिया यहां भी आएगी, यानी कि नाउन और वर्ब। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए क्रिया या कोई नाउन है यानी कि संज्ञा है, तो क्या कहना, ओके, क्या कहना, कौन कहे, कौन कहे, और इसी प्रकार से या तो, ठीक है, ऐसे बात आपके होंगे। और फिर इसके बाद यहां एक सेंटेंस दिया, इसमें और इसमें ये अंतर है बस, संज्ञा क्रिया तो होगा क्रिया, संज्ञा कोई भी होगी, और मतलब अगर संज्ञा होगी तो संज्ञा क्रिया होगी, क्रिया इस बात का ध्यान रखें। क्रिया संज्ञा अगर आपकी आती है तो क्या कहना आप लगा सकते हैं, कौन कहे, और उसके बाद जो सेंटेंस होता है वो। और अब इसका प्रयोग जो करते हैं तो वर्ब जहां भी प्रयोग हुआ है वह सदैव जीरंड फॉर्म में आएगी। किस रूप में आएगी, जीरंड। आपको पता होगा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग करने आईएनजी लगाने पर वो जीरंड फॉर्म बन जाती है। तो जे बनाने का एक प्रारूप, जे फार्मूला है, और कहीं भी इसका प्रयोग हो सकता है। इसलिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं बता सकते हैं। आपको पता ही वही, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। वो आपका अपना विशेषी प्रकार से रहेगा, लेकिन वो कहाँ लगाया जाएगा वो बाकी के ऊपर है। हो सकता है कि संज्ञा पीछे चली जाए, हो सकता है क्रिया आगे लगी हुई हो, है ना। तो एक क्रिया के साथ साथ नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब के बारे में जैसे आपको मालूम होगा, तो नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब, तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल इसके कैसे होंगे। तो जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, लड़कों का कहना ही क्या, लड़कों का कहना ही क्या, लड़कियां भी प्लान आती है, और आती है। अब लड़कों का कहना के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ, कहना ही क्या या कौन कहे के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ। आज का अपना प्रयोग है नॉट टू स्पीक ऑफ बॉयज, नॉट टू स्पीक और बॉयज कॉमा लगा देंगे क्योंकि ये फ्रेज है। अब आगे बढ़ेंगे, द गर्ल्स
उड़ाती है फ्लाई द प्लेन, और चूंकि भी लगा है इसलिए यहां आ जाएगा इवन, इवन द गर्ल फ्लाई द प्लेन। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कमीज तो या का क्या कहना, कमीज का क्या कहना, उसके पास तन ढकने के लिए एक कपड़ा भी नहीं, एक कपड़ा भी नहीं था। कमीज का क्या कहना, या कमीज को कौन कहे, या कमीज तो कमीज उसके पास तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं था। नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ सर, नॉट टू स्पीक ऑफ सर, ही हैड नो क्लॉथ, नो क्लॉथ टू कवर, उसके पास अपने तन को यानी कि हिज बॉडी, हिज बॉडी, ही हैड नो क्लॉथ टू कवर हिज बॉडी। इस प्रकार से एक और वाक्य देखते हैं, क्रिया वाला देखते हैं कि क्रिया जब होती है तो जैसे मैंने बताया कि क्रिया जब होती है तो उसमें आईएनजी लगता है यानी कि जीरेंड फॉर्म लगती है। तो देखेंगे मदद करने की, मदद करने का क्या कहना, क्या कहना, या मदद करने को कौन कहे, मदद करने को कौन कहे, या मदद करने का क्या कहना, उसने वह या वह मुझसे, मुझसे बोला भी नहीं, वह मुझसे बोला भी नहीं, या उसने मुझसे बात भी नहीं की। तो कैसे बनेगा, आप देख रहे हैं मदद करने क्रिया है जो जीरण रूप में हम लाएंगे, नॉट टू स्पीक आएगा, नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग, नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग, ही उसने मुझसे बात भी नहीं की, ही डिड नॉट टॉक, या बोला तो स्पीक लगा सकते हैं, ही डिड नॉट स्पीक टू मी। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बहुत ही अच्छे नियम है, बहुत ही मजेदार है। अब जैसे एक एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे कि मनुष्य का क्या कहना, मनुष्य का क्या कहना, पेड़ पौधे भी सुख दुख महसूस, महसूस करते हैं। मनुष्य का क्या कहना, या मनुष्य को कौन कहे, पेड़ पौधे भी सुख दुख महसूस करते हैं। तो नॉट टू स्पीक जो फ्रेज है बनाएंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव या मनुष्य, नॉट टू स्पीक ऑफ ह्यूमन बीइंग, द प्लांट्स इवन प्लांट्स भी लिखा हुआ है, इवन प्लांट्स महसूस करना यानी कि फील, सुख दुख यानी कि सुख यानी कि हो गया प्लेजर, और दुख यानी कि पेन, यानी कि पेन एंड प्लेजर, पेन एंड प्लेजर। इस प्रकार से बहुत अच्छे वाक्य हैं
जो आप अपने ग्रामर में इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, एक से एक बात आप इसको बना सकते हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ, जैसे मैंने बताया था, नॉट टू स्पीक ऑफ टॉप, नॉट टू स्पीक ऑफ द गर्ल्स, नॉट टू स्पीक ऑफ द गर्ल्स द बॉयज आल्सो या इवन स्मोक सिगरेट, ऐसे बहुत सी बात आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे और अच्छे टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए वॉच करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।